आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने अनुपूरक बजट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो बजट रखा गया वही खर्च नहीं किया गया और अब अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। जिन पर अधूरी योजनाओं पर पैसे खर्च किए जाने चाहिए थे उस पर सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया और सरकार कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आई। उन्होंने नजूल भूमि बिल का विरोध किया और आरोप लगाया कि केवल जनता को परेशान करने के लिए बिल लाया गया है। देखिए, इन्होंने जो बजट रखा है, पहले तो बजट जो रखा था वो खर्च तो किया नहीं, 10% 15% से ज़्यादा बजट खर्च किया नहीं और बजट ले आए हैं। और जिन अधूरी योजनाओं पर बजट खर्च करना चाहिए था उन पर कहीं पर भी अभी तक उन अधूरी योजनाओं पर पूरा खर्च बजट में लाए नहीं है, न कोई प्रस्ताव लाए हैं। तो इनका ऐसा ही बजट है। सर, कुछ विधेयक भी थे नजूल भूमि वाला, उस पर आप लोगों ने विरोध किया है, क्या कारण थे? देखिए, जो वो विधेयक आया है बिल्कुल अधूरा है, नहीं लाना चाहिए था इनको नजूल की जमीन पर, केवल जनता को परेशान करने के लिए बोला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन की वजह से सरकार बनती है। हाईकोर्ट में दाखिल रिट पर जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने यह बात दोहराई। हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल हुई है प्रयागराज में, जिसमें आपका एक बयान है संगठन बड़ा है सरकार नहीं। हाईकोर्ट पर क्या, वो तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, पार्टी में यही बात हो रही है। लखनऊ में ताज होटल के पास रोड पर भरे पानी में लड़की से बदसलूकी के मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत, एसीपी अंशु जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और साथ ही गोमती नगर थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज समेत चौकी पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें, कल ताज होटल के पास बने अंडरपास में बारिश का पानी भर गया था और इसमें कुछ अराजक तत्वों ने हुड़दंग करते हुए एक लड़की से बदसलूकी की थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। दिनांक 31/7/2024 को थाना गोमती नगर क्षेत्रांतर्गत हुई घटना के संबंध में तत्काल लखनऊ पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। सख्त कार्रवाई हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। साक्ष्यों के आधार पर जिन लोगों का चिन्हीकरण हुआ था उसमें से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मोहम्मद अरबाज, विराट साहू, पवन यादव और सुनील कुमार शामिल हैं। लगातार टीमें दबिश दे रही हैं गिरफ्तारी हेतु और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान लड़की से छेड़खानी केस में पुलिस ने 2 और आरोपियों मोहम्मद अरबाज और विराज साहू को गिरफ्तार किया। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही पुलिस ने एफआईआर में छेड़खानी की धाराएं बढ़ाई हैं। दारोगा ऋषि विवेक की ओर से दर्ज कराई गई इस एफआईआर में 15 से 20 अज्ञात लड़कों को आरोपी बनाया गया है। गोमती नगर पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने होटल ताज के पास बारिश के पानी में हुड़दंग करते हुए एक लड़की से छेड़खानी कर उसे बाइक से पानी में गिरा दिया था। ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी और लोगों ने इस बात की आलोचना की थी कि किस तरह हुड़दंगियों ने यहां पर बदतमीजी की, एक लड़की के ऊपर पानी फेंक फेंक कर उसको पानी में गिरा दिया। अंडरपास में पानी भरा था और उस दौरान अचानक हुड़दंगियों ने, देखिए किस तरीके से वहां भरा पानी आते जाते लोगों पर डालकर पलटकर उनको नीचे गिराया। उसमें एक लड़की भी शामिल थी, उसका भी लिहाज नहीं किया गया और तब तक ये हुड़दंगी उन पर पानी फेंकते रहे और हुड़दंग मचाते रहे जब तक ये बैलेंस बिगड़ नहीं गया और ये लोग भी पानी में नहीं गिर गए। कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। सीएम योगी ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस फुटेज को आधार बनाकर बाकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। कुल 15 से 20 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। अयोध्या को बदनाम करने की साजिश के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी शाने आलम रामपुर का रहने वाला था। उसके ऊपर सोशल मीडिया पर फर्जी डालकर भ्रम फैलाने की कोशिश का आरोप है।
वीडियो किसी दूसरे जगह की है लेकिन उसे अयोध्या का बताकर रामनगरी को बदनाम करने की साजिश की गई। इसको लेकर राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया और इसी आधार पर गिरफ्तारी की गई। हमारा मुख्य अभियुक्त है शाने आलम, जिसके द्वारा यह वीडियो पोस्ट की गई थी, उसको थाना राम जन्मभूमि पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इसी क्रम में यह भी बताना चाहेंगे कि इसी तरीके से अलग अलग फर्जी वीडियो, जिसमें कहीं और की, किसी अन्य प्रदेश की या किसी अन्य जगह की वीडियो को जनपद अयोध्या का वीडियो बना करके प्रसारित किया गया है या भ्रामक या गलत तथ्य उत्पन्न किए गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को लोग आहत हुए हैं, वह उद्वेलित हुए हैं। इस संबंध में शांति व्यवस्था भंग करने के दृष्टिगत थाना क्षेत्र अयोध्या में 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। मथुरा में लव जिहाद का मामला सामने आया है और आरोप है कि आसिफ कुरैशी ने राहुल बनकर एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। आरोप यह भी कि आसिफ दुकान पर आता था, लड़की के सामने इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता था और उस दौरान उसने अपना नाम आसिफ की जगह राहुल बताया और लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मामला थाना गोविंद नगर इलाके का है। लड़की के परिजनों ने इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी है, तो वही पीड़ित परिवार की मदद के लिए हिंदू आदि संगठन के लोग आगे आए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। कासगंज में मिड डे मील खाने से 26 छात्र बीमार पड़ गए। एक साथ 26 बच्चों के बीमार होने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी बच्चों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन के आला अफसर जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। कोतवाली सदर क्षेत्र के सुमन कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज की यह घटना है। गाजियाबाद में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। नगर निगम की ओर से उनके ऊपर फूल बरसाए गए, जिसमें गाजियाबाद के डीएम, मेयर और नगर आयुक्त मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि कांवड़ियों जो है वो एक लंबा सफर तय करके आते हैं और इसीलिए उनका उत्साह बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, नगर निगम की ओर से हर साल कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाती है। गाजियाबाद एक महत्वपूर्ण जनपद है कांवड़ यात्रा की दृष्टि से। हरिद्वार से जब कांवड़ चलती है तो दिल्ली और हरियाणा तथा राजस्थान एवं अन्य प्रदेशों की कांवड़ यात्रा गाजियाबाद से होकर ही गुजरती है। यहाँ तक आते आते कांवड़िया एक बड़े लंबा यात्रा तय कर चुके होते हैं, इसलिए थकान, उनके पैरों में छाले, खाने पीने की व्यवस्था, ये इस नगरीय से और एक सेफ पैसेज देने के नजरिए से गाजियाबाद एक महत्वपूर्ण जनपद है। यहाँ पर नगर निगम की ओर से, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से पूरे माह भर, सावन माह भर एक सुंदर व्यवस्था की जाती है ताकि इस पर्व को लोग उत्साहपूर्वक और अपनी मूल्य मान्यताओं के अनुरूप मना सके। मेरठ में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। डीएम और एसएसपी ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए। औघड़नाथ मंदिर, NH 58, पल्लवपुरम और सिवाया टोल प्लाजा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। ये देखकर कांवड़िये काफी खुश हुए। योगी सरकार ने पुष्प वर्षा करवाई, तो हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। मेरठ में किस तरह पुष्प वर्षा हुई, दरअसल मुख्यमंत्री के आदेश पर कांवड़ियों पर हर साल इस तरह पुष्प वर्षा करवाई जाती है और शिव भक्तों पर फूलों की बारिश होती है। और मेरठ से ये दृश्य सामने आया, जहां पर आप देख पा रहे हैं सीरियल शॉट में कि नीचे सड़क पर कांवड़िये हैं और ऊपर हेलीकॉप्टर से उन पर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। तो बड़ी संख्या में कांवड़िये यहां टोल प्लाजा के पास अपने मार्ग में और ऊपर आसमान से होती है पुष्प वर्षा। बागपत में महिलाओं ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर जिले में उनका स्वागत किया। बड़ौत के मुजफ्फरनगर रोड पर समाज सेवी महिलाओं ने एक तरफ कांवड़ सेवा शिविर लगाकर कांवड़ियों के खाने पीने और रुकने की व्यवस्था की, वहीं दूसरी तरफ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। इस दौरान अलग अलग तरह की झांकियों ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। अपनी समस्या बताए और अपना
केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मची है और बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। भीमबली में 200 लोगों के फंसे होने की खबर है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली में दो पुल बह गए। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मार्ग का कुछ हिस्सा बह गया। भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया। वही कुंड को बंद कर दिया गया है। इसके साथ रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी फोन पर अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि कई यात्री केदारनाथ मार्ग में फंसे हैं, तो जो यात्री केदारनाथ जा रहे हैं उनको सुरक्षित जगह पर रुकने को कहा गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भीमबली के पास कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है और साथ ही प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि लोग जो है वो जहां पर हैं इस ओर ना आए, वहीं पर रुक जाएं। इसके चलते केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोका गया है। जो इसका पैदल मार्ग है, रामबाड़ा से लिंचौली तक काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने के कारण आप देखिए यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता खराब हो गया। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच का जो रास्ता है वो बह गया है, जहां से चढ़ाई की शुरुआत होती है, और इसके चलते इस यात्रा को रोक दिया गया। भीमबली के पास कई लोग फंसे हुए हैं जिनको की SDRF रेस्क्यू कर रही है। फंसे हुए लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और मौसम खराब है, बादल फटा है वहां पर, जिस कारण रास्ता बह गया। भारी बारिश के चलते गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबाली में दो पुलिया बहने के बाद वहां फंसे लगभग 200 के करीब लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। मौके पर DM और SP मौजूद हैं। NDRF SDRF की टीम्स लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। अभी तक हेली से लगभग 70 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है और लगातार ये काम चल रहा है। गौरीकुंड में बताया जा रहा है करीब 200 लोग फंसे हुए हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर यह मुसीबत आन पड़ी है और ये रास्ता किस कदर खराब हुआ है और रिस्क से भरा है वो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। NDRF और SDRF की टीम वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। अब तक वहां से 70 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 200 के आसपास लोग वहां पर हो सकते हैं। तो लोगों को सहारा देकर NDRF और SDRF के जवान वहां से सुरक्षित निकाल रहे हैं। यात्रा को फिलहाल रोका गया है। गौरीकुंड में ही करीब 200 लोग फंसे हुए हैं। और ये हेलीकॉप्टर से जो है वो किस तरह रेस्क्यू किए गए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, ये उसकी तस्वीर है। गौरीकुंड में 200 लोग फंसे हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर यह मुसीबत आई है और जो लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू करके फिलहाल हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। यात्रा को रोका गया है। 200 के करीब लोग वहां पर फंसे हुए हैं। 70 लोगों का फिलहाल रेस्क्यू किया गया है, जो कि SDRF के जवान जो हैं वो जाबाजी के साथ लोगों को उस मुश्किल रास्ते से निकालने में जुटे हुए हैं। ये देखिए किस तरह लोगों को, परिवार बच्चे समेत जो लोग फंसे थे उनको वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जिनको इलाज की जरूरत थी उनको उनके लिए अलग इंतजाम किया गया। बारिश से हाहाकार है और बादल फटा है यहां पर, जिस कारण ये मार्ग बह गया। केदारनाथ की जो पैदल चढ़ाई है वहां सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच के मार्ग पर यह बुरी तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, जहां दो पुलिया बह गई हैं और लोगों को रेस्क्यू करके वहां से सुरक्षित लाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मुश्किल रास्तों से निकालकर जवानों ने उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। और बांदा में बाइक से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। जिस बाइक से स्टंट किया गया, पुलिस ने उस बाइक को कब्जे में लेकर 30,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही परिजनों को हिदायत देते हुए अपील की कि इस तरह के जानलेवा स्टंट से बचें। वीडियो बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र के नदी पुल का है। बाइक से स्टंट का सोशल मीडिया पर एक रील डाली गई थी, जिसके बाद यह एक्शन हुआ। 30,000 का जुर्माना और बांदा में भारी पड़ा है बाइक से स्टंट। ये आज इंस्टाग्राम पे एक बाइकर्स का स्टंट सामने आया, जो केन नदी स्थित पुल पर भूरागढ़ के पास स्टंट कर रहा था। इसको पहचान स्थापित की गई, ये टिंकू नाम का व्यक्ति है जो किला भूरागढ़ का रहने वाला है।
इसका थाना मटौंक पुलिस द्वारा 30,000 रुपये का चालान किया गया है। इसमें आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जनपद बांदावासियों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को इस तरह के स्टंट करने के लिए हतोत्साहित करें, उनको अनावश्यक रूप से बाइक ना दें, क्योंकि इस तरह के स्टंट जो है जानलेवा साबित होते हैं। आगरा में रेलवे के कंट्रोल रूम में आग लग गई। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डीआरएम कार्यालय में कंट्रोल रूम है और शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रेलवे कर्मचारी और जीआरपी ने आग पर काबू पाया है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रेल स्टाफ जीआरपी ने फिलहाल आग पर काबू पाया।